गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई डिजिटल लर्निंग क्लास। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितना ओवरव्यू था वो कुछ कुछ बताया था, तो इलेक्ट्रिसिटी से मेरा ध्यान में कुछ है कि जो आप लोग को छूट रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से अगर थोड़ा सा वो पावर सिस्टम की ओर बढ़े तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर को बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक पावर को बनाया जाता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेवलप करके उसको ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि भारत के या दुनिया के हर कोने में इलेक्ट्रिक पावर को बनाना संभव नहीं है। मान लीजिए किसी कोने में आपका इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन हो रहा है, कहीं जनरेशन हो रहा है, और जहां पे कंज्यूमर है या फिर इंडस्ट्री है या फिर मार्केट है या कुछ भी समझ सकते हैं, मतलब कंज्यूम करने वाला हो, उस पावर को अपने अंदर समाना, मतलब उस पावर को समाने का क्या मतलब हुआ कि उस पावर को जैसे हम बल्ब मोटर पंखा सारा कुछ यूज करके उसको हम लोग चलाते हैं जनरेटर्स को। तो अब देखिए ये जो डिस्टेंस है आपका जनरेटिंग स्टेशन से लेके कंज्यूमर पॉइंट तक, ये जो कंज्यूमर पॉइंट और जनरेटिंग स्टेशन हुआ इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को जो यहां से वहां ढोने का काम करेगा, वाहक का काम करेगा, इसको बोलेंगे ट्रांसमिटिंग, देखिए अब ये ट्रांसमिटिंग प्रोसेस हुआ क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन और कंज्यूमर पॉइंट के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर, तो उस डिस्टेंस को जो कवर कर रहे हैं वो ट्रांसमिटिंग प्रोसेस में आएगा, और उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटिंग स्टेशन और कंज्यूमर पॉइंट के बीच में जो लाइन गुजरेगा उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन लाइन। तो जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम पावर को ला रहे हैं कंज्यूमर पॉइंट तक। अब मेरा पावर कंज्यूमर पॉइंट तक आ गया। अब देखिए जब कंज्यूमर पॉइंट तक हम पावर को ला दिए तो अब क्या करेंगे, कंज्यूमर पॉइंट में कंज्यूमर अपने अनुसार इसको यूज करेगा, स्वाभाविक सी बात है यूज करेगा ही। अब देखिए अब जनरेटिंग स्टेशन में आपका कैसे जनरेट होता है ओवरव्यू थोड़ा सा जान लीजिए। तो जनरेटिंग स्टेशन में सबसे पहले थर्मल का यूज करते हैं, थर्मल यूज करते हैं, उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट, वाइंड पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत सारा पावर प्लांट है। अब जैसा कि हम सुनने में आ रहा है थर्मल, है ऑब्वियसली थर्मल मतलब हम लोग शुरू से बचपन से जान रहे हैं थर्मामीटर शब्द कहाँ यूज करते हैं, जब हमको बुखार होता है या फिर तेज बुखार या फिर शरीर गर्म, मतलब हीट के चलते, मेरा कहने का क्या मतलब हुआ, हीट के चलते जो इफेक्ट हो रहा है उसमें थर्मो शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए थर्मल पावर प्लांट है, जैसा कि सुनने में आ रहा है थर्मल पावर प्लांट मतलब जरूर हो न हो वहां पे हम उष्मा का या हीट का यूज करके उस पावर प्लांट को चला रहे हैं। फिर मान लीजिए आपका थर्मल पावर प्लांट पे एग्जांपल पूछिएगा तो ये भारत में जितना भी एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट और सारा कुछ प्राइवेट का भी थर्मल पावर प्लांट है, तो आप सिंपली समझिए एनटीपीसी कहलगांव को लेके चलिए जो आपके नियरेस्ट है, तो वो क्या हो गया आपका थर्मल पावर प्लांट, वहाँ
थर्मल शब्द के बाद आपको ध्यान में आना चाहिए, जरूर वहां पे हीट का काम करते हैं, ऊष्मा का काम करते हैं। अब सोचिए कि पावर प्लांट में हीट कहां से लाएंगे, तो ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कि पावर प्लांट में आपका जितना भी ऊष्मा का काम करते हैं उसको यूज करते हैं कोयला। तो एनटीपीसी को ही मान के चलिए, एनटीपीसी कोयले को लेकर उस कोयले को जला के हीट डेवलप करता है। अब बहुत सारे के मन में प्रश्न होगा, वो कोयला कहाँ से लेता है, तो कोयला आपका लेता है कोल फील्ड से। अब कोल फील्ड में आपका सेंट्रल कोल फील्ड है, ईस्टर्न कोल फील्ड है, साउथ वेस्टर्न कोल फील्ड है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड है, बहुत तरह मतलब रीजन वाइज है। तो जिस रीजन में आपका पावर प्लांट है वो उस रीजन के नियरेस्ट कोयला सीसीएल मतलब कोल फील्ड एरिया से वो वहां से कोयला को ढोएगा। और सबसे पहले ये चीज आपको मैंने शुरू को ही बताया था कि पूरे भारत में पावर प्लांट लगाना संभव नहीं है। पावर प्लांट उसी जगह लगाना संभव है जहां सब चीज का एबिलिटी हो। तो अब सोचिए कि हम कहलगांव में लगाए हैं पावर प्लांट, तो जरूर वहां से कहीं नजदीक से कोयला उसको मिल रहा है, या आपका ललबटिया से मिल रहा है, कुछ उसको कवर हो रहा है। हो सकता है हम पावर प्लांट और दूसरे जगह लगा सकते थे लेकिन दूर था, तो वही सब ध्यान रख के पावर प्लांट को किया जाता है। अब देखिए कोयला तो ले लिए, कोयला को हम ओवर व्यू समझ लिए कि जला दिए, कोयला जल गया। अब प्रश्न ये उठता है कि कोयला जल गया उससे एनर्जी कहाँ से इलेक्ट्रिकल पैदा होगा, स्वाभाविक सा बात है। तो अब क्या करेंगे, पानी लेंगे, गंगा नदी जो है बगल में आपका एनटीपीसी कहलगांव के बगल में जो गंगा नदी है वहां से हम पानी लिए। पानी को लेकर उस कोयले द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से उस पानी को हम हीट करेंगे, पानी को हम गर्म किए, पानी को गर्म करके हम क्या बना लिए, वाष्प। स्वाभाविक सा बात है कि जब वाष्प हम बना लिए तो वाष्प मूव करेगा। अब जब वाष्प को हम मूव करा रहे हैं तो उस वाष्प को अगर हम जनरेटर के थ्रू मूव कराएं, मतलब जनरेटर उससे घुमाएंगे, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। मतलब यहाँ आपका COAL कोल को गर्म किए, कोल को जैसे गर्म किए, यहाँ वाटर को गर्म किए, पानी को जैसे हम ऊष्मा से गर्म किए, उसके बाद क्या हो गया, पानी को गर्म करने के बाद पानी को हम जैसे ही गर्म करते हैं तो वहां पे जो स्टीम बनता है, वो जो स्टीम बना उस स्टीम को हम अल्टरनेटर में फेंकते हैं, अल्टरनेटर में थ्रो ऑफ करते हैं, अल्टरनेटर। अब देखिए इस भाग को जैसे हम अल्टरनेटर में से अल्टरनेटर का पंखी में हम घुमाते हैं, तो अल्टरनेटर का हम जैसे पंखी में घुमाए, तो अब देखिए वो पंखी घूमने लगेगा, तो जनरेटर का जो चीज है वही सिद्धांत पे काट करेगा और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बना लेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कंज्यूमर पॉइंट तक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेजेंगे। अब इसका हो गया। अब दूसरा चीज मान लीजिए कोई बोलेगा सर हाइड्रो कैसे होता है, तो हाइड्रो मतलब सुनने में ही आ रहा है हाइड्रो, तो हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो संबंध है पानी से, तो वो पानी। अब देखिए पानी से क्या होता है, पानी को बहुत ऊंचाई से हम पानी को गिराते हैं अल्टरनेटर पे या पंखी पे, तो पंखी ऊपर से पानी गिरेगा था तो ऑब्वियसली वो घूमेगा, ठीक है। अब तीसरा चीज हम बोले थे वाइंड, वाइंड मतलब पवन चक्की, हवा के द्वारा जो चक्की चलता है, तो इसमें क्या होता है बहुत लंबा ब्लेड होता है, 70-80 फीट, तीन ब्लेड पंखा के जैसे तीन
ब्लेड होता है, वैसे ही पवन चक्की का भी तीन ब्लेड होता है। तो तीन ब्लेड आपका 70-70 फीट का हुआ मान लीजिए। अब देखिए इस 70-70 फीट में धीरे धीरे हवा से घूमेगा, तो मान लीजिए धीरे धीरे घूमेगा तो सबका मन में स्वाभाविक प्रश्न है कि सर अगर पंखा धीरे धीरे घूम रहा है तो उसे अल्टरनेटर तेजी से कैसे घूमेगा। सही बात है। देखिए इसमें गियर टाइप का लगा हुआ है। गियर का काम क्या है कि अगर वो पंखा एक बार रोटेट कर रहा है तो गियर 25 बार रोटेट करेगा, तो मतलब इतना तेजी से घूमेगा। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि कुछ बोलेगा सर मान लीजिए आंधी आ गया तूफान आ गया तो अपने तेजी से घूमेगा तो अल्टरनेटर तो ओवर स्पीड हो जाएगा। नहीं, उस केस में क्या होगा कि पवन चक्की में ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है कि वहां गियर से तुरंत बदल देता है कि देखो भाई मेरा पंखी बहुत तेजी घूम रहा है इसलिए 25 गुना नहीं तुम 2 गुना ही घूमो, क्योंकि वहां पे सेंसर लगा हुआ है। तो पवन चक्की से आपका हो गया। फिर डीजल वैसे हम अल्टरनेटर घुमा दिया, अल्टरनेटर घुमा एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो गया आपका। देखिए इसके बाद है डीजल पावर प्लांट। उसमें क्या करते हैं डीजल से मोटर चलाते हैं, मोटर से अल्टरनेटर घुमा दिए। फिर आपका हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है बहुत हाई एनर्जी कंज्यूम करते हैं यूरेनियम थोरियम से, उस एनर्जी के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करके अल्टरनेटर घुमाते हैं। तो ओवरऑल हम क्या समझे, सारा प्रोसेस का जड़ है अल्टरनेटर घुमा दिए हमारे घर में बिजली आ गया। ओवरव्यू आप समझ गए होंगे आज के क्लास में। इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।